होना, कभी किसी बात पे हताश न होना, जिंदगी एक संघर्ष है, चलती ही रहेगी, अपने जीने का कभी अंदाज न खोना। इसी होश और इसी जज्बे के साथ, इसी हौसले के साथ मैं आपकी दोस्त और होस्ट अल्पी स्वागत करती हूँ कार्यक्रम एक मुट्ठी धूप में। बहनों, कहते हैं कि जिसने अपने हौसलों पे, अपने जोश पे काबू रखा वो पार उतर गया, और जो चूक गया वो डूब गया। तो आज हमारे साथ भी हमारी ऐसी ही एक सखी, एक मेहमान हमारे साथ शिरकत कर रही हैं, जिन्होंने अपने काम के बल पे, अपने हौसलों के दम पे अपनी एक पहचान बनाई है। तो आइए मिलते हैं आज की मेहमान से। हमारे साथ हैं हिमानी मिश्रा जी। हिमानी जी CEO एंड को फाउंडर हैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में। तो आपका अभिनंदन है हिमानी जी। जैसा कि मैंने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग ये एक ऐसा नाम, एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आज की युवाओं की रुचि काफ़ी बढ़ रही है। आज हम पारंपरिक विज्ञापनों के तरीकों से हट के डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारे देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई हमारी युवाओं को एक नई पहल देने के लिए। तो आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हिमानी जी से जानते हैं कि क्या है ये डिजिटल इंडिया या डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो आप ये बताएं कि किसे कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अल्पी जी। डिजिटल मार्केटिंग इंटरनेट के द्वारा अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, जो भी आप काम कर रहे हैं उसको प्रमोट करने का एक नया माध्यम है। आपने सही कहा, प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल इंडिया कैंपेन की शुरुआत की थी ये उसकी एक बहुत बड़ी कड़ी है। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से हटके है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो जाता है जो आप बिलबोर्ड्स देखते हैं, लीफलेट्स देखते हैं, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है जिसमें कि खर्च भी ज़्यादा लगता है। डिजिटल मार्केटिंग आप अपने पूरे बिजनेस को, आप अपने पूरे काम को, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको आप इंटरनेट के द्वारा ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। अगर मैं छोटे शब्दों में बताना चाहूँ तो ये है डिजिटल मार्केटिंग। जी, आपने कहा कि जो हमारा पारंपरिक तरीका था, होर्डिंग है, पैम्पलेट्स हैं, बैनर्स हैं, उससे थोड़ा हट के है, ये ऑनलाइन होता है या नेट के थ्रू होता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है? ये तो एक साधन का उपयोग है कि हम अलग अलग साधनों का उपयोग करें, इसके अलावा क्या फ़र्क होता है? देखिए, एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि जब आप कोई होर्डिंग लगाते हैं या लीफलेट जब आप बनाते हैं, तो आप जब तक कोई आपका जो कस्टमर है जिसके लिए आपने वो होर्डिंग लगाई है, जब तक वो उस होर्डिंग तक नहीं पहुंचेगा, वो उस एडवर्टीजमेंट को नहीं देख पाएगा। जब तक आप वो फिजिकली, मतलब जब तक आप वो पेपर पहुंचाएंगे नहीं, लीफलेट किसी को, तब तक वो आपके बारे में जान नहीं पाएगा। आज डिजिटल इंडिया की जो मुहिम है उसी की एक कड़ी के द्वारा ऑलमोस्ट 50% लोगों के पास हमारे देश में, इंडिया में आज स्मार्टफोन है जो इंटरनेट से जुड़ चुके हैं, जो कि 2 साल में काफ़ी बढ़ गया है। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो आप अपने इंटरनेट के द्वारा जो आप एडवर्टीजमेंट उन्हें, जो विज्ञापन उन्हें दिखाते हैं, वो कहीं भी बैठा हुआ इंसान आपके एडवर्टीजमेंट को देख सकता है। आपको बस ये सोचना होता है कि आप किसे वो दिखाना चाहते हैं। अगर आप कपड़े की दुकान, आपने एक बुटीक खोला हुआ है और आप चाहती हैं कि आप पटना में बोरिंग रोड में हैं और पटना के सारे लोग जाने आपके बारे में, आप में क्षमता है सप्लाई करने की पूर्णिया या मुजफ्फरपुर जैसे जगह में, आप उन कस्टमर्स को भी दिखा सकती हैं कि हाँ, हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो उसमें आपका साधन बहुत बढ़ जाता है, आपका रीच, मतलब जितने लोग आपका एडवर्टीजमेंट देखेंगे उन लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और खर्च बहुत कम है इसमें। अगर हम पारंपरिक तरीके वाले एडवर्टीजमेंट की बात करें तो उससे कंपेयर करने पे। जी, ये आपने बहुत सही कहा है, क्योंकि खर्च बहुत मायने रखता है, और जब एक बिजनेसमैन किसी काम को करने निकलता है तो वो उसमें खर्च क्या आ रहा है वो कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये बताएं, इसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है? अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, इसके 2 पहलू हैं। एक, जो डिजिटल मार्केटिंग रन कर रहे हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है, उसमें महिलाओं की भागीदारी आज के डेट में काफ़ी कम है। उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, वो लोग कंटेंट राइटर, जो लिखने का काम सिर्फ करते हैं, क्योंकि लिखने का भी एक बहुत बड़ा रोल है डिजिटल मार्केटिंग में, वो ज़्यादातर या तो लिखने वाले काम से जुड़े हैं या ग्राफिक का डिज़ाइन बनाने वाले में कुछ महिलाएं हैं। अगर ट्रू सेंस में बिजनेस रन करने की बात की जाए कि किन्हें एडवर्टीजमेंट दिखाया जाए, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे आ रहा है, स्ट्रैटेजी बनाई जाए, उसमें महिलाओं की भागीदारी काफ़ी कम है। दूसरा पहलू है कि डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करने वाले बिजनेस में कितनी महिलाएं हैं।
वो भी संख्या अभी बहुत बहुत कम है, स्पेशली अगर टीयर टू मतलब बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे जगहों की बात करें, यहाँ पे भागीदारी महिलाओं की बहुत ही कम है। बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माध्यम है जिससे कि महिलाएं घर बैठे अपने बिजनेस को बहुत आगे तक बढ़ा सकती हैं। जी, अभी जैसे आपने बताया कि दोनों ही पक्ष की अगर हम बात करें, जो इस क्षेत्र में हैं, जो काम कर रही हैं और जो इनका उपयोग कर रही हैं, दोनों ही क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम है, क्या कारण है? पहला तो एक ये है कि डिजिटल मार्केटिंग के दिमाग अगर सोचने पे लगता है कि ये एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम है जिसमें कि ओवरऑल औसत महिलाओं की भागीदारी कम होती है, लोगों को लगता है ये पता नहीं किस तरह का काम है, तो जागरूकता की एक कमी है। सेकेंड रीज़न ये है कि अगर मैं बिहार में छोटा सा एक लाइन बताना चाहूँगी कि बिहार आने का रीज़न क्या था शुरू करने के लिए, बैंगलोर में मैं देखती हूँ थी कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ वहाँ खुल रही है और उन कंपनियों को आगे बढ़ाने में, उस काम करने में यही बिहार, झारखंड, यूपी के बच्चे हैं जो जा करके आगे बढ़ा रहे हैं। जब उनसे बात हुई तो वो कहते हैं, उनका कहना था कि हमारे पास, हमारे शहर, हमारे स्टेट में काम करने के लिए हमारे पास जगह नहीं है, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम जुड़ के काम कर सके। तो वहां से मुझे एक सोच आई कि नहीं, बिहार में करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें जोड़ा जाए। जो हमारी कंपनी है अभी एक महीने से भी कम है, और मैं आपको बताऊंगी LPG कि अभी हमने 7 से 8 क्लाइंट बना लिए, जिसमें एक क्लाइंट रशिया से भी है। ये सारा काम बिहार से हो रहा है जिसमें कि आधी महिलाएं काम कर रही हैं, उसमें मैं अपने आप को भी गिनकर बता रही हूँ। सो ये एक पहल है, ये धीरे धीरे इसके लिए जागरूकता होनी ज़रूरी है और इसके बाद भागीदारी ज़रूर बढ़ेगी। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ मधुबनी का। मधुबनी में मधुबनी पेंटिंग वर्ल्ड वाइड फेमस है, पूरे विश्व में लोग चाहते हैं कि मधुबनी की साड़ियाँ मिले, मधुबनी की पेंटिंग्स मिले, लेकिन उनको विश्व तक पहुँचाने के लिए बहुत कम लोग हैं जो उसका उपयोग करते हैं, जो कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में है। वो महिलाएं घर बैठ करके बहुत सुरक्षित तरीके से एक्सपोर्ट से टाई अप करके अपने जो भी वो प्रोडक्ट, वो साड़ी बना रही हैं, वो बैग्स बना रही हैं, उसको डिजिटल मार्केटिंग पे प्रमोट कर सकती हैं। अगर उनका US में टाई अप हो जाता है, अमेरिका में टाई अप हो जाता है, कनाडा में हो जाता है या दिल्ली में टाई अप हो जाता है, उन्हें टाई अप करके बस अपने सामान को भेजना होता है। तो बहुत ही सुरक्षित माध्यम है, ये डर लोगों के मन से, इनफैक्ट ये ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि आपको घर से बिना निकले आप ये घर बैठे ये काम कर सकती हैं। जी मैनो, अभी हमने जाना कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक की मदद से, डिजिटल माध्यम की मदद से हम अपने काम का प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। जो बहनें हमारी कोई बिजनेस कर रही हैं या किसी उद्योग से जुड़ी हुई हैं, कोई काम कर रही हैं और अपने काम को वो एडवर्टीज़ करना चाहती हैं, कैसे कर सकती हैं, क्या संभव है उनके लिए? बिल्कुल संभव है LPG, वो घर बैठे, जैसे कि मैं बता रही थी कि अगर उनका एक बुटीक है, अगर या मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा अलग हट के एग्जांपल लेती हूँ, कोई महिला है जो पटना में काम कर रही हैं, जो कि किसी बड़े फैशन डिज़ाइनर के कपड़ों को ला करके उसका डिज़ाइन करके यहाँ पे सेल करती हैं, उन्होंने बुटीक बनाया हुआ है, लोग आते हैं वहाँ से ख़रीदते हैं, वो अगर चाहे तो वहाँ घर बैठे डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से पूरे बिहार में ये बात बता सकती हैं कि हाँ, ये एक दुकान है जो फलाने जगह पर है और हम आपको इस डिज़ाइनर के कपड़े पहुंचा सकते हैं, वहां से लोग आप तक पहुंच सकते हैं। जो लोग बैठे हुए हैं हाजीपुर में, बक्सर में, वो आपके एडवर्टीजमेंट को देख करके आप तक पहुंच सकते हैं और आप उनको सप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए आपको कहीं धूप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल आराम से बैठ करके बहुत सेफली इस बिज़नेस को रन कर सकती हैं और इसको नए आयाम पर कम खर्चे में पहुँचा सकती हैं। जी, क्या इसके लिए किसी तरह के कोर्स की आवश्यकता होती है, या जो इस क्षेत्र में कदम बढ़ाना चाहते हैं हमारे नवयुवक, वो कैसे आ सकते हैं इसको? बिल्कुल कोर्स की आवश्यकता होती है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग साइंस, मैथ्स और क्रिएटिविटी का एक संगम है, तीनों चीज़ है उसमें, साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है क्योंकि उसमें लॉजिक बहुत काम करता है, और आर्ट और क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिविटी का एक बहुत बड़ा उसमें हिस्सेदारी रहता है। तो इसके लिए काफ़ी कोर्सेज होते हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और अगर मैं अगर अपने तरफ से बात करूं, जो हमारी कंपनी है ब्रांड रेडिएटर, हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं ऑनलाइन कोर्स भी, जहाँ पे कि लोग घर बैठे 3 महीने 6 महीने के अलग अलग कोर्सेज होंगे, वो घर बैठे इस कोर्स को करके भी ये काम को शुरू कर सकते हैं। हालांकि शुरुआत में बेहतर ये रहता है कि जो लोग इस फील्ड में मास्टर हैं, जिन्हें बिल्कुल पता है कि बिज़नेस को शुरू कैसे किया जाए और शुरू में कम खर्चे में कैसे उसको अच्छे रिजल्ट्स पे पहुंचाया जाए, उसके लिए बेहतर होता है कि एक्सपर्ट हैंड्स में ये दिया जाए। अपना काम शुरू का खुद से डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको लोग ऐसे अपने साथ जोड़ने पड़ेंगे जिनको डिजिटल मार्केटिंग का अच्छा ज्ञान हो। सो
तो बहनों, देखा आपने डिजिटल मार्केटिंग, जिसके नाम से हम बहुत उत्साहित तो होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में थोड़ा डर होता है, पता नहीं कैसा काम है, कैसे करेंगे, क्या हो सकता है, परिणाम क्या होंगे, खर्च कितने होंगे। तो अभी हिमानी जी ने बताया कि ये बिल्कुल ही कम खर्च में बहुत ही आसानी से अधिक लोगों तक पहुँचने वाला माध्यम है, जिसके माध्यम से आप और आपका ब्रांड दोनों ही पहचान पा सकता है। ये बताएं हिमानी जी, इस क्षेत्र में आपकी शुरुआत कैसे हुई? इस क्षेत्र में आने के लिए मैं बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगी जो मेरे को-फाउंडर हैं शशिधर रंजन, वो भी बिहार से ही हैं, पूर्णिया से हैं, जो मेरे साथ मेरी पुरानी कंपनी बैंगलोर में थे, और वो मुझसे, वो उनकी उम्र बहुत कम है, 25 साल के हैं वो। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, क्योंकि मुझे बिहार आना था, बिहार की मिट्टी के लिए कुछ करना था। तो उन्होंने बोला कि आप कर सकती हैं, आप करिए, मैं आपके साथ जुड़ूंगा। तो उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया। बिहार और डिजिटल इंडिया की लोग बात कर रहे हैं, तो मेरी और शशि की यही बात हुई कि डिजिटल इंडिया सिर्फ बड़े शहरों के लिए क्यों, डिजिटल इंडिया बिहार जैसे जगह के लिए क्यों नहीं। लोगों की ये मानसिकता कि बड़ी कंपनीज़ छोटे शहरों में नहीं जा सकती है, इस मानसिकता को तोड़ना कि यही छोटे शहर के लोग हैं, यही छोटे स्टेट के लोग हैं जो बड़े शहरों में आकर के आपकी कंपनी को बड़ा बना रहे हैं। तो वहाँ मैंने और शशि ने डिसाइड किया कि हम लोग इसकी शुरुआत बिहार से करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें जोड़ेंगे। डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि इन स्टेट्स में क्या, ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली मीडियम है, जिससे आप अपने बारे में, आप अपनी कंपनी और ब्रांड को एक अलग मुकाम पर पहुँचा सकते हैं। तो शुरुआत यहाँ से हुई, परिवार का बहुत सपोर्ट रहा। आते मैंने जेंडर रिसोर्स सेंटर में भी कांटेक्ट किया था, उन लोगों ने भी मुझे बहुत रास्ते दिखाए, तो सपोर्ट काफ़ी मिला है। शशि जी ने अपना जॉब छोड़ दिया सिर्फ इस काम को आगे बढ़ाने के लिए, वो इस मुहिम से जुड़ गए हैं। सो यहाँ से शुरुआत हुई है, और हम लोग बिहार के नाम को हर ऐसे स्टेट के साथ, यूपी, झारखंड, वहाँ के लोगों के इससे जोड़ना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया को एक आगे लेकर जाना चाहते हैं इसके माध्यम से। अगर इस क्षेत्र में हम अपनी बच्चियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, जो हमारी यंग जनरेशन है, अगर उनकी बात करें, कितना सुरक्षित है ये क्षेत्र उनके लिए काम करने के लिहाज से, अगर हम बात करें, या फिर उनके आगे बढ़ने के लिहाज से करें? ये 100% सुरक्षित क्षेत्र है। ये बिल्कुल वैसे ही नॉर्मली जैसे आप ऑफिस में बैठ के काम करते हैं, ये वैसे काम होता है। पहले मार्केटिंग के नाम से लोग सोचते थे लड़की है मार्केटिंग में कैसे जाएगी, मार्केटिंग मतलब बाहर जाना, बाहर मिलना, लोगों से काम करना। यहाँ पे आप ऑफिस में आराम से बैठ करके काम कर सकते, बाहर जाना पड़ेगा क्लाइंट से मिलने के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप क्लाइंट से मिले, वापस आए, उनका जब रिक्वायरमेंट हुआ, आपको मीटिंग करनी है, आपको जब बताना है कि परफॉर्मेंस कैसे हो, आप आराम से सुरक्षित माहौल में बैठ करके काम कर सकती हैं, और बिल्कुल ही सुरक्षित है ये महिलाओं। जी, आपने बताया कि किस तरह से ये कम खर्च में सुरक्षित माध्यम है ये काम का, और क्या क्या संभावनाएँ हैं अगर भविष्य की हम बात करें, तो क्या लगता है इसकी क्या क्या संभावनाएँ हो सकती हैं? इसकी संभावना दूसरी ये हो सकती है कि जो लोग ब्रांड तो आप बना रहे हैं, लेकिन आपके बारे में भी लोग जानें। इसके माध्यम से हम बहुत लोगों की, जो अगर मैं बिहार की बात करूं, जो कार्यक्रम चलते हैं, एनजीओ वाले कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं, वो पेपर वर्क में होकर के, क्योंकि पेपर वर्क आज का यूथ कम पढ़ता है, सुबह में पेपर आया वो साइड हो जाता है, लेकिन वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, गूगल, इस पर ज़्यादा समय व्यतीत करता है। इस माध्यम को जोड़ा जा सकता है लोगों की ज़रूरतों को मदद करने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए। और आप जो भी काम कर रहे हैं, आप समाज सेवक ही सही, आप अपने उस मुहिम को, उस चीज़ को लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि हाँ, ये मेरी कंपनी है या ये हम कर रहे हैं, किसी ज़रूरतमंद को आप तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। इस चीज़ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। जी, आपने ज़रूरत की बात कही है, और हम देखते हैं कि जब भी हम मोबाइल ऑन करते हैं तो डिफरेंट ब्रांड्स की जो एड हैं वो आते रहते हैं, कंपनीज आते रहते हैं, इस तरह की हम कह सकते हैं जो इकोनॉमिकली इन्वॉल्व चीज़ें हैं वो काफ़ी कह सकते हैं एक्टिव हैं ऑनलाइन, लेकिन जो हमारे सामाजिक पक्ष की बातें हैं, जो हमारे जो कुरीतियां हैं या जो समस्याएं हैं आज समाज में, जिसके लिए सरकार भी आगे बढ़ रही है या सोशल एनजीओज काम कर रही हैं, और ख़ास तौर से महिलाओं से जुड़ी हुई जो मुद्दे हैं, बिल्कुल, उनका इस क्षेत्र में आना, ऑनलाइन होना, डिजिटल मार्केटिंग की क्या संभावना बनती है या उनके होने से क्या फ़ायदे होंगे? हाँ, उन बहुत बड़ी संभावना है, जो जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकार बहुत काम कर रही है,
सामाजिक परिस्थितियों को लेकर के या जहाँ पे कुरीतियाँ हैं या उसको एड्रेस करने के लिए अगर वो सोशल मीडिया से वो प्रमोट करते हैं इस चीज़ को कि हाँ हम इस क्षेत्र में दहेज की अगर मैं बात करूँ या बाल विवाह की बात करूँ, अगर उस बारे में हम लगातार बात करते हैं सोशल मीडिया पे कि दहेज प्रथा क्यों खराब है, बाल विवाह क्यों खराब है, और उसको रोकने के लिए अगर आप कहीं देख रहे हैं कि बाल विवाह हो रहा है आप हमें तुरंत यहाँ संपर्क करें। हर जगह आपने कहीं नंबर लगा दिया होगा, होर्डिंग पे तो लगा दिया होगा, बट हर कोई उस नंबर को नहीं देख रहा है। अगर आप सोशल मीडिया पे उसको प्रमोट करते हैं और बहुत सारे युवा हैं, एजेड लोग भी हैं जो उसको देखेंगे और आप तक पहुंच सकते हैं कि मुझे मदद की ज़रूरत है या मेरे जानने वाले को मदद की ज़रूरत है, आप उन तक पहुंचिए और उन तक मदद पहुंचाइए। हिमानी जी, ये बताएं कि बिहार में आपने जब काम की शुरुआत की उस वक्त आपके क्या क्या चैलेंजेस थे, किस तरह से आपको पेश है, और विशेष रूप से हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो महिलाएं हैं, उनका उनकी सहभागिता किस तरह से रही, किस तरह उन्होंने अपने आप को इस काम से जोड़ा? अल्पी जी, बिहार में काम शुरू करना लगा था कि काफ़ी मुश्किलें आएंगी, बट मुश्किलें उतनी नहीं आई जितना मैंने सोचा था। मैं जब यहाँ काम शुरू करने जा रही थी, मैं और शशि जब हम लोग शुरू करने जा रहे थे, तो लोगों ने बोला कि आप बिहार जा रहे हो, आपको ना डिज़ाइनर मिलेंगे, डिज़ाइनर मिल भी जाएंगे तो आपको कंटेंट राइटर, लिखने वाले अच्छे लोग नहीं मिलेंगे जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी हो। बट मैं आपको बता रही हूँ अल्पी जी, जो हमने यहाँ पे लोगों को हायर किया है, जो लड़के और लड़कियाँ हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनके काम और डेडिकेशन को देख करके दंग हूँ। मैं बता रही हूँ, 25-30 किलोमीटर की रोज़ जर्नी करके वो लोग आते हैं, मुझे बोलना पड़ता है कि आप लोग उठ जाइए, ब्रेक ले लीजिए। जो लड़कियां हमारे यहाँ हैं वो भी काफ़ी दूर से आती हैं और बहुत ही डेडिकेटेड वे में काम कर रही हैं, और मुझे बोलने में ये ज़रा भी हिचक नहीं है कि आज उनका आउटपुट जो मुझे दिख रहा है उसी की वजह से आज बिना 20 दिन भी पूरे नहीं हुए हमारे पास 7 क्लाइंट आ चुके हैं और बहुत सराहनीय काम हो रहा है। सो टैलेंट का गढ़ है बिहार, ये बार बार साबित किया है यहाँ के युवाओं ने, पीढ़ी ने, और ये फिर साबित हो रहा है। हमारे यहाँ जो लड़कियाँ काम कर रही हैं, पूजा हैं, शिफाली हैं, उनका काम देखकर मैं दंग हो जाती हूँ। और सो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो लड़के भी काम कर रहे हैं, अमन है, शुभम है, रंजन है, इन लोग का काम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ऊंचे स्तर का काम जी है। जैसे आपने बताया कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ घर बैठ के आसानी से काम किया जा सकता है, और महिलाओं की अगर हम बात करें या लड़कियों की बात करें, तो क्या आप का कभी इस ओर ध्यान जाता है कि आप एक ट्रेनिंग कोर्सेज चलाएं या ऐसे कैंपेन चलाएं जहां आप वोकेशनल कोर्स की तरह शॉर्ट टर्म उनको ट्रेनिंग दें और फिर काम के साथ जोड़ सकें? जी एलपीजी, हमारा ये प्लान है, मेरा और शशि का, हम लोग दो तरह के कोर्स को शुरू करने वाले हैं। एक कोर्स रहेगा जो ऑनलाइन चलेगा, जिसमें कि हमारे लिए हर जगह जाकर ट्रेनिंग देना संभव नहीं हो सकता है। सो दो तरह का कोर्स चलेगा, एक क्लासरूम ट्रेनिंग होगी जिसमें जो लोग पटना से हैं, पटना और गया में हमारी बात चल रही है ट्रेनिंग शुरू करने के लिए, सो वहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो लोग जुड़कर ट्रेनिंग ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स भी करेंगे जिसमें जो विशेषज्ञ हैं इस लाइन के, डिजिटल मार्केटिंग के, वो लोग आकर के ट्रेनिंग देंगे। ऑनलाइन बच्चे अपना क्लासेस कर सकते हैं, कोई मुजफ्फरपुर में बैठा है, कोई बक्सर में बैठा है, क्लास ऑनलाइन हो जाएगा, हम उनका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन कंडक्ट करेंगे और वो रियल टाइम होगा। सो ये सब कुछ प्रोसेस में है ताकि इस पूरे चीज़ को जो हमने बिहार के लिए और बिहार जैसे स्टेट्स के लिए जो ये मुहिम शुरू किया है डिजिटल इंडिया के लिए, इसको एक अलग मुकाम पे पहुंचाने के लिए जागरूकता ज़रूरी है, ये ट्रेनिंग ज़रूरी है। जी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने जब काम की शुरुआत की तो लोगों का ये फीडबैक रहा हो कि कहाँ इस लाइन में आ रही हो, महिला हो, जाके कोई टीचिंग का काम करो, कोई सरकारी नौकरी का काम कर लो, या इस तरह की कभी कोई बात? बिल्कुल अल्पी जी, मैंने काफ़ी फेस किया है ये। मैं 12th तक तो बिहार में थी, फिर मैं इंजीनियरिंग करने के लिए कैलकटा चली गई IIIT से। विप्रो और टाटा में तो मैंने कैलकटा में काम किया, बिहार में लौट करके आई टेलेनॉर में, और मैंने उसी समय डिफरेंस देख लिया था कि वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं और यहाँ के लोगों में जो काम करने की क्षमता और जो टैलेंट है वो अलग लेवल पे है। और उस वक्त भी मुझे सुनने में मिलता था लड़की होके मार्केटिंग में जा रही हो, पर धीरे धीरे ये चीज़ काफ़ी बदल गई है, लड़कियाँ काफ़ी आगे आ गई हैं मार्केटिंग और सेल्स के क्षेत्र में। उसके बाद जब मैं बैंगलोर गई, वहाँ जाने के बाद भी मुझे सुनने मिला कि आप मार्केटिंग में जा रहे हो, आप बिज़नेस कैसे सेल करोगे, ये मुझे यहाँ के लोगों से ज़्यादा सुनने मिला। बाहर के शहरों में, बड़े शहरों में तो इसको लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ है, इसलिए वहाँ दिक्कत नहीं आई। बिहार जब आ रही थी, जब ये काम शुरू करने के लिए, तब बहुत सुना,
बहुत लोगों ने कहा ये चलेगा नहीं, ये बंद हो जाएगा, बहुत दिक्कतें आएंगी, लोग नहीं मिलेंगे, लोगों से बात करने में परेशानी होगी, पैसे नहीं देते हैं लोग यहाँ। बट मैं बता रही हूँ अल्पी, इसका उल्टा ही हुआ है। मुझे बहुत सहयोग मिला है यहाँ के लोगों से, बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि फ़ीमेल महिलाओं के बारे में, फ़ीमेल महिलाओं के साथ अक्सर देखते हैं कि उन्हें घर और बाहर दोनों मैनेज करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शायद आपके साथ भी ऐसी समस्याएं हुई होंगी, इसके बारे में हमें बताएं। जी, समस्याएं तो होती हैं, बट मैं उसे समस्या नहीं बोलूँगी। मेरा एक प्रिंसिपल रहा है आज से नहीं, जब से, स्पेशली जब से मेरा बेटा हुआ, उस वक्त से मैं एक चीज़ के लिए बहुत क्लियर थी। मैंने देखा महिलाएं जो बाहर निकलती हैं वो कहती हैं कि मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं बाहर का काम कर रही हूं, और ऑफिस में वो कहती हैं कि मैं महिला हूं सो मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी। ये गलत है। आप महिला और पुरुष देखकर काम ना करें। अगर आप काम करने निकली हैं तो आपका दायित्व ना घर के लिए कम होता है, ना बाहर के आप जिस काम के लिए आप डेडिकेटेड हैं उसके लिए कम होता है। दिक्कतें होती हैं घर पे भी मैनेज करना, बाहर भी मैनेज करना, बट एक मैं इंदिरा नोई जी का नाम लेना चाहूँगी यहाँ पे, जो कि पेप्सिको की हेड हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, कोपिंग मैकेनिज्म। आप अगर कामकाजी महिला हैं, आपको दोनों जगह बैलेंस करना सीखना होगा। हर समय आप दोनों को खुश नहीं रख सकते हैं। परिवार और ऑफिस का सहयोग तो लगता है, बट कई बार आप बहुत बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होता है, ऑफिस को भी संभालना, घर को भी संभालना, और दोनों को कुछ बिना नुकसान हुए संभालना, तो दिक्कत होती है। इसमें भी मैं डिजिटल मार्केटिंग को क्रेडिट दूंगी। आज व्हाट्सएप के माध्यम से अगर मैं काम कर रही हूँ, मेरा बेटा अगर घर में है और उसे कुछ ज़रूरत रहती है, वो कुछ लिख रहा है, अगर ट्यूशन्स नहीं है हम ही पढ़ाते हैं, तो वो लिख के मुझे भेज सकता है कि हाँ मम्मी ये मैंने किया है, ये सही है या गलत है, वहाँ मेरा काम फास्ट हो जाता है। ठीक उसके उल्टे साइड में देखूँ, अगर मैं घर पे हूँ और अगर हमारे ऑफिस में ज़रूरत है, तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू उन्हें भी इन्फॉर्म कर सकती हूँ कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं। जी, बहुत खूबसूरत तरीके से हिमानी जी आपने बताया कि ये डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से काम करता है, क्या है, और इसके फ़ायदे किस तरह हम तक पहुँच सकते हैं। आप हमारे साथ इस मंच को साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अल्पी जी, थैंक यू। बहनों, आज हमने जाना कि डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में महिलाएं किस तरह से आ रही हैं, किस तरह आगे बढ़ रही हैं, और हमारा ये मंच निरंतर आपके लिए कुछ नया लाता है। और इसी उम्मीद विश्वास के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूँगी अगले अंक में फिर से मिलने का, फिर से अपने नए मेहमान को आपसे मिलाने का। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।